मैं रश्मि पांडे, जालौन मेट्रो से आज की बड़ी खबर जालौन जनपद से सटे औरैया से है। औरैया शहर के जाने माने व्यवसायी की पत्नी व पुत्र समेत गोली लगने से हुई मौत। प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल, उनकी पत्नी व पुत्र शिवम का शव बंद घर में शत विशत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। प्रतिष्ठित कारोबारी व दो अन्य की मौत से शहर में फैली है सनसनी। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली का पूरा मामला आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार से नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो, मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त की बड़ी खबर है जनपद जालौन के समीपवर्ती जिले औरैया से, जहां सदर कोतवाली में रहने वाले प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल, उनकी पत्नी और उनके बेटे के शव जो है उनके मकान में क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं। तीनों को गोली लगी है। हत्या या आत्महत्या इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और साक्ष्य संकलन में जुटी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल जी ने बताया है कि प्रकरण दृष्टया मामला घरेलू लग रहा है, लेकिन जो है पुलिस हर पहलू को बारीकी से देखते हुए जांच कर रही है। उनके भतीजे से भी उनमें बात हुई। उनका भतीजा भी कहना है कि वो भी हतप्रभ है, उन्हें भी इस तरीके की घटना की कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन फिलहाल इस तरीके से घटना होने से औरैया नगर में हंसनी फैली है, खासकर शिक्षा जगत में, क्योंकि प्रकाश चंद्र महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और उसके वो प्रबंधक थे। उन प्रबंधक, उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों की हत्या से लोग हतप्रभ भी हैं। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है कि हत्या या आत्महत्या, दोनों ही पहलुओं पर पुलिस जो है बारीकी से जांच कर रही है और साक्ष्य संकलन में फॉरेंसिक टीम जो है वो साक्ष्य संकलन में जुटी है। इस संबंध में और भी जो अपडेट आता है हम आप तक हाजिर होते रहेंगे। आप देख रही जालौन मेट्रो, ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी पुलिस अधिकारी में स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में सेकेंड फ्लोर पर दो हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल, और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है। गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें खारिज होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभी लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली में कितने लोग थे? फैमिली में अभी तक जो मुझे जानकारी हुई है कि इनकी फैमिली में चार लोग थे, बाकी ये जो पैतृक मकान है इसमें एक नीचे सबसे इनके जो बड़े भाई, एक बड़े भाई का एक बेटा अग्रवाल भी रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और बीच का फ्लोर जो है वो खाली है, वो लोग दूसरे महल में रहते हैं, और सबसे ऊपर जो जिनके साथ जो घटना हुई है, जो लोग पाए गए उनके परिवार में वो उनकी पत्नी उनको रहते हैं। परिजनों को इसकी जानकारी कैसे हुई? परिजनों में नीचे से बेटा गया था, वो रात में यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरे में पड़ता था। जो जानकारी हुई है वो सवेरे जब गया तो उसे जानकारी हुई, उन्होंने सभी परिवारजनों को बताया, तो उसी के माध्यम से हम पुलिस वालों को सूचना दी।